सादर नमस्कार दोस्तों, ये है फलक की दुनिया का अद्भुत संसार किस्सा कहानियों का, और मैं अंजू ओझा आप सबके समक्ष बच्चों के लिए मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। आप मेरी आवाज में सुन रहे हैं तेनाली राम की कहानी, और इस कहानी का शीर्षक है महान पुस्तक। तो आइए आपको हम अपनी ध्वनि के जरिए सैर कराते हैं। महान पुस्तक। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने वहां दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दी कि पूरे विश्व में उसके समान कोई बुद्धिमान और विद्वान नहीं है। उसने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से कहा कि यदि कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता है, परंतु कोई भी दरबारी उसे वाद विवाद करने का साहस न कर सका। अंत में सभी दरबारी सहायता के लिए तेनालीराम के पास गए। तेनालीराम ने उनकी बातें सुनी और उन्हें सहायता का आश्वासन दिया, और दरबार में जाकर तेनाली ने उस विद्वान की चुनौती को स्वीकार कर ली। दोनों के बीच वाद विवाद का दिन को निश्चित कर दिया गया। अब आगे सुनिए। निश्चित दिन तेनालीराम एक विद्वान पंडित के रूप में दरबार में पहुंचा। उसने अपने एक हाथ में बड़ा सा गट्ठर ले रखा था, जो देखने में भारी पुस्तकों के गट्ठर के समान लग रहा था। शीघ्र ही वह महान विद्वान भी दरबार में आकर तेनालीराम के समक्ष बैठ गया। पंडित रूपी तेनालीराम ने राजा को सादर प्रणाम किया और गट्ठर को अपने और विद्वान के बीच में रख दिया। तत्पश्चात दोनों वाद विवाद के लिए आमने सामने बैठ चुके थे। राजा जानते थे कि पंडित का रूप धरे तेनालीराम के मस्तिष्क में अवश्य ही कोई योजना चल रही होगी। अब राजा ने वाद विवाद आरंभ करने का आदेश दे दिया। पंडित के रूप में तेनालीराम पहले अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, विद्वान महोदय, मैंने आपके विषय में बहुत सुना है। आप जैसे महान विद्वान के लिए मैं कुछ महान तथा महत्वपूर्ण पुस्तकें लेकर आया हूँ, जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। आप भी वाद विवाद करें और प्रतिवाद भी करें। हम दोनों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप तैयार हैं? जी महाशय, कृपया इस पुस्तक का नाम तो बताइए, विद्वान ने कहा। तेनालीराम बोले, विद्वान महाशय, पुस्तक का नाम है तिलचता महिषाबंधन। तिलचता महिषाबंधन इस पुस्तक का नाम है। विद्वान हैरान रह गया। अपने पूरे जीवन में उसने ऐसे नाम की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी। वह घबरा गया कि बिना पढ़ी व सुनी हुई पुस्तक के विषय में वह कैसे वाद विवाद करेगा। फिर भी वह बोला, अरे यह तो बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक मालूम पड़ती है। इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा। आहा, मजा ही आ जाएगा। परंतु आज यह वाद विवाद रहने दिया जाए, मेरा मन भी कुछ उद्विग्न है, और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं याद करके कल आऊंगा। अभी मैं भूल गया हूँ। कल प्रातः स्वच्छ मस्तिष्क के साथ हम वाद विवाद करेंगे। तेनालीराम ने उसकी बात मान ली। तेनालीराम के अनुसार वह विद्वान तो आज के वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु अतिथि की इच्छा का ध्यान रखना तेनाली का कर्तव्य था, इसलिए वह सहज और सरलता से मान गया। परंतु वाद विवाद में हारने के भय से वह विद्वान नगर छोड़कर ही भाग गया। अगले दिन प्रातः जब विद्वान शाही दरबार में उपस्थित ही नहीं हुआ, तो तेनालीराम बोला, महाशय, लगता है कि 9:00-11:00 हो गए हैं, और दरबार पहुंचा। बोले महाराज से तेनालीराम, महाराज वह विद्वान तो नहीं आएगा, लगता है नगर छोड़कर चला गया है। तेनाली वाद विवाद के लिए लाई गई उस अनोखी पुस्तक के विषय में कुछ तो बताओ, जिससे कि वह डर कर वह विद्वान भाग गया। राजा भी हंस पड़े बोलकर ठठाकर। राजा
सबको समझ ही नहीं आ रहा था और हंसे जा रहे थे। तब तेनालीराम बोले, महाराज वास्तव में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है, मैंने ही उसका यह नाम रखा था, तिलक्षता महिषा बंधन। इसमें तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियां और महिषा बंधन का अर्थ है वह रस्सी जिससे भैंसों को बांधा जाता है। मेरे हाथ में वह गट्ठर वापस में शीशम की सूखी लकड़ियां थी जो कि भैंस को बांधने वाली रस्सी से बंधी थी। उसे मैं मलमल के कपड़े में लपेट दिया था ताकि वह देखने में पुस्तक जैसी लगे। यह सुनकर राजा और दरबारी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए, हंसते हंसते सब आपस में लोटपोट हो गए। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेरों इनाम दिया और गदगद होकर उन्हें ये चतुर तेनालीराम से नवाजा। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी कैसी लगी आप सुनकर जरूर कमेंट्स और अपनी राय दीजिएगा। मैं अंजू ओझा आप सबके समक्ष फिर जल्दी ही आऊँगी। तो दोस्तों, आप सबका प्यार के लिए मैं अपेक्षित हूँ और फिर जल्दी ही मिलती हूँ। सादर धन्यवाद।